Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 10 mathematics of exercise 3.5. In previous video we already learned solving four linear equations. First substitution method and second elimination method. But today we learn cross multiplication method. तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लीनियर इक्वेशन का क्या होता है. क्रॉस का मतलब होता है ट्रांसवर्स मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तिरछा तिरछी. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन का क्या होता है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो हम लोग सॉल्व जब भी करते हैं तो उसमें डबल लीनियर इक्वेशन होता है. तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो. ये आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है. सेकेंड हो गया आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए ये इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करते हैं. समझ में आ रहा है. तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे किया जा रहा है. तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, यानी कि x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट के साथ और y कोफिशिएंट x कोफिशिएंट के साथ, या फिर जो कांस्टेंट पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट पार्ट सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल के साथ और सेकंड का जो कांस्टेंट होगा फर्स्ट के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं. तो इसमें अगर हम लोग चाहें तो वो टोटल प्रोसेस हम लोग इलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है. डायरेक्ट हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो वो फॉर्मूला आप लोग का कैसे आता है वो देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स पार्ट को लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय, उसके बाद y डिवाइडेड बाय, उसके बाद कांस्टेंट टर्म के लिए 1 डिवाइडेड बाय. समझ में आ रहा है. ये क्या कर लेंगे, ये x पार्ट को लिखना है तो हम लोग x वाले को क्लोज कर देंगे और ये b1 c2 के साथ और b2 c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b1 c2 माइनस b2 c1. समझ में आ रहा है. x वाला ही उसके बाद y वाला जब लिखेंगे तो y वाले के लिए क्या करेंगे, y को क्लोज कर देंगे ये प्लस में तो फिर ये माइनस में, ये हो जाएगा a1 b2 a1 सॉरी y क्लोज कर रहे हैं ना तो a1 c2 माइनस y क्लोज करेंगे a1 c2 माइनस a2 c1. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी. उसके बाद वन यानी कांस्टेंट पार्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे तो क्या बचेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. देख लीजिए हमेशा अप टू डाउन, अप टू डाउन, उसके बाद डाउन टू अप, यानी ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई हम किया उसके बाद नीचे से ऊपर. x y कहते हो x वाले को प्लस y को माइनस, फिर जो आपका कांस्टेंट टर्म है z को हम ये आपका प्लस हो गया. तो अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट या फर्स्ट एंड थर्ड कर दीजिए x by b1 c2 माइनस b2 c1
इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1, समझ में आ रहा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x में इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट हम नीचे वाले को ऊपर भेज दे रहे हैं। x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया आपका x का वैल्यू, समझ में आ रहा है? b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें जो होगा ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफिनाइट हो जाएगा। वैसे भी लीनियर इक्वेशन के लिए आप लोग कंडीशन जानते हैं, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, जो वेरीफाइड करता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो अब देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, अब y का वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड माइनस y डिवाइडेड बाय a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए ये माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने के लिए क्या कर लेंगे, इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस होगा, यानी y बाय a2c1 माइनस a1c2, समझ में आ रहा है? ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया आपके y का वैल्यू। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब ये जो होगा इसके इक्वल, या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं x और y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। आप इसको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके x और y जो निकालेंगे यही हो गया। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो हम लोग एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे और टोटल क्वेश्चन इसी प्रोसेस पर बनाएंगे। तो आप लोग के आज का क्लास इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।